अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रेंड, मेरा नाम दिशान है और आप देख रहे हो नॉलेज अरीना। गाइस, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो के न्यू फ़ोन वीवो S1 Pro की, जिसे ऑफिशियल कर दिया गया है पाकिस्तान में 44,000 रुपीज़ प्राइस टैग के साथ। और यहां पर वीडियो थोड़ी सी लेट ज़रूर है, लेकिन आपके लिए इस वीडियो के एंड में है एक सरप्राइज़ गिव अवे, आपने वीडियो देखनी है पूरी। तो गाइस, वीवो S1 Pro की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस फ़ोन की जो प्राइस है 44,000 रुपीज़ है, बता चुका हूं आपको। और यहां पर जो हमें स्पेसिफिकेशन मिलती हैं, वहाँ पर सबसे पहले मैं कलर की बात करूंगा। ये फ़ोन दो कलर में लॉन्च किया गया है, पहला है नाइट ब्लैक या मैस्टिक ब्लैक, और उसके साथ है फैंसी स्काई कलर। और मेरा जो आज का यूनिट है ये है नाइट ब्लैक कलर में। प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर, 8GB की रैम है, 128GB इंटरनल स्टोरेज है, 6.38 इंच का सुपर एमोलेड स्क्रीन है इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और यहाँ पर बैक पर आपको मिलते हैं चार कैमराज, जिसमें पहला कैमरा जो मेन सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का। 4500 मिली पावर की बैटरी लगाई गई है 18 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ, और यहाँ पर USB टाइप सी को इंक्लूड कर दिया गया है। तो गाइस, हम करेंगे फ़ोन की अनबॉक्सिंग, देखेंगे फ़ोन, या ये स्पेशली बात करूँ ब्लैक कलर की, ये फ़ोन लुक में कैसा है, बॉक्स कंटेंट में मिली है क्या क्या चीज़ें। वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे करूँगा रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में है बेल आइकॉन, उस पर क्लिक करके ऑल के बटन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ यार, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं Vivo S1 Pro की अनबॉक्सिंग। गाइज, ये है Vivo S1 Pro का बॉक्स, जहां पर लिखी है कुछ डिटेल्स। ऊपर की तरफ लिखा है 8GB रैम, 128GB रोम। बैक की अगर हम बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है 48 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा, 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, उसके साथ है डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग। और मैं आपको बता चुका हूं कि मेरा जो आज का यूनिट है ये है मैस्टिक ब्लैक कलर में, जिसे नाइट ब्लैक भी कहा जाता है। तो गाइज, ये है ओवरऑल इस फोन का बॉक्स, अनबॉक्स करते हैं इस फोन को। सबसे ऊपर रखा हुआ है ये बुकलेट, इसमें देखते हैं हमें क्या चीजें मिलने वाली हैं। और यहां पर हमें मिलता है कुछ स्टफ, जिसमें है एक चार्जिंग केबल जो कि है USB टाइप सी, और उसके साथ यहां पर हमें कुछ IMI स्पीकर्स मिलते हैं। और गाइज, यहाँ पर एक अदद ज़बरदस्ती चीज़ मिली है, यहाँ पर एक ग्लास प्रोटेक्टर, तो ये बहुत अच्छा इंक्लूड किया है वीवो की तरफ से। यहाँ पर है सिमेजेक्टर टूल, कुछ यूज़र गाइड्स हैं, और यहाँ पर है सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस, जहाँ पर ये डायमंड कट जगह को खाली छोड़ दिया गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कैमराज हैं आपके वो नज़र आने वाले हैं। तो गाइज, ऊपर की तरफ रखा हुआ ये हमारा फ़ोन, इसे करेंगे साइड में। और यहाँ पर है बॉक्स के दूसरे कॉन्टेंट, देखते हैं कि वहाँ क्या क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पर एक ऐसा चार्जर, जिसकी इसकी रेटिंग की अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर जो रेटिंग मिलती है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर, 9 वोल्ट 2 एम्पेयर, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है आपको इस चार्जर के साथ। और यहाँ पर वीवो के हैंड फ्री मिलते हैं, जो कि बहुत हद तक सिमिलर हैं आईफोन के डिज़ाइन से। तो गाइज, ये सारे बॉक्स कॉन्टेंट, इन सारी चीज़ों को करेंगे साइड में, आएंगे हमारे फ़ोन की तरफ। फ्रेंड, ये है वीवो का S1 Pro। डिज़ाइन, स्टाइल, हमेशा वीवो कहता है कि डिज़ाइन और स्टाइल को अपग्रेड किया जाता है। तो गाइज, यहाँ पर ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है बैक से, और ये जो नाइट ब्लैक कलर है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर डायमंड कट शेप आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर चार कैमराज दिए गए हैं, नीचे है LED फ्लैश लाइट। इस हिस्से की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं, वॉल्यूम रॉकर्स, उसके बराबर में एक पावर की जिसे रेड कर दिया गया है, तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है इस ब्लैक कलर के साथ। नीचे किस्से की अगर बात करें तो यहाँ पर स्पीकर दिए गए हैं, यहाँ पर एक USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, उसके बराबर में एक अदद माइक, यहाँ पर एक सिम ट्रे दी गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें फुल डुअल सिम सपोर्ट मिलती है या हाइब्रिड सिम मिलती है, तो चेक करते हैं गाइस इसको। और यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलती है, यानी कि आप दो सिम एक टाइम पे या एक सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और ऊपर की तरफ आपको मिलता है एक 3.5 ऑडियो एमएम जैक, और यहाँ पर मिलता है एक अदद नॉइस कैंसिलेशन माइक। तो यार, यहाँ पर फुल डुअल सिम सपोर्ट होनी चाहिए थी तो अच्छा था। तो गाइज, ये फ़ोन का ओवरऑल लुक। फ़ोन को करते हैं पावर ऑन, जल्दी से करेंगे फ़ोन का सेटअप और बात करेंगे फ़ोन की स्पेसिफिकेशन पर। Thank you.
गाइस फोन ने कर लिया अपना सेटअप कंप्लीट और यह है वीवो का S1 Pro, जिसकी जो इन हैंड फील है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ही है। खूबसूरत सा डिस्प्ले नज़र आता है यहाँ पे हमें गाइस, और डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो खूबसूरत सा डिज़ाइन है। बैक पर वीवो डिज़ाइन बाय वीवो लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये जो मैस्टिक ब्लैक कलर है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है। ओवरऑल फ़ोन की बिल्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे प्लास्टिक बिल्ड फील होती है। ये जो फ्रेम लगा हुआ है ये भी प्लास्टिक का फील होता है। तो गाइस मुझे तो लगता है कि ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक है, और यहाँ पर ऊपर की तरफ डायमंड कट शेप दिया गया है खूबसूरत सा। ओवरऑल फ्रंट के हिस्से की मैं बात करूँ तो जो नीचे की चिन्ह है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, साइड के बेजल्स और ऊपर के बेजल्स बहुत ही ज़्यादा कम है। अब बात करेंगे इस फोन के वेट की तो ये है 186 ग्राम का। इन हैंड आपको अच्छी फील देगा, सॉलिड फ़ोन लगेगा। 4500 mAh की बैटरी है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा भारी नहीं है ये फ़ोन। गाइस अब हम बात करते हैं इस स्क्रीन की, तो यहाँ पर हमें मिलती है 6.38 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो वो है 1080x2030/40। स्क्रीन डेंसिटी है 404 PPI, और हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करते हैं एक वीडियो प्ले करके और देखते हैं कि स्क्रीन के जो कलर्स हैं वो कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो मैं अपनी ही वीडियो को प्ले करता हूँ और हम साउंड भी देखेंगे और स्क्रीन के कलर्स भी देखेंगे। एवरीवन फ्रेंड, मेरा नाम दिशान है और आप देख रहे हैं नॉलेज अरीना। गाइस आज की इस वीडियो में हम बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट करने वाले हैं गैलेक्सी A51 का 100% ये फोन चा। गाइज स्क्रीन के कलर्स आपने देख लिए होंगे, और स्क्रीन के जो कलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से कलर आते हैं, और यहाँ पर जो वीविंग एंगल आपको मिलता है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। गाइज बात करते हैं इस फ़ोन के एंड्रॉयड वर्जन की, तो यहाँ पर हमें मिलता है एंड्रॉयड 9, और जल्दी इस फ़ोन को एंड्रॉयड 10 पर अपग्रेड कर दिया जाएगा। उसके साथ है वीवो का अपना ये UI जो कि है फन टच OS 9.2। बात करेंगे गाइज हार्डवेयर की, तो यहाँ पर है स्नैपड्रैगन 665 का एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 8GB की रैम है, 128GB इंटरनल स्टोरेज है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, 2 SIM एक टाइम के ऊपर या एक सिम एक मेमोरी कार्ड 256GB तक का सपोर्टिव आप लगा सकते हैं। एड्रीनो 610 का GPU है। इस प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रोसेसर का जो स्कोर है ये अबाउट टू 170-180 के आता है इंटू टू बेंचमार्क पे, और यहाँ पर आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस मिलती है। मैंने रियलमी का 5 यूज़ किया है, वहाँ पर भी यही प्रोसेसर है, और 4GB रैम वाला वेरिएंट यूज़ किया है, तो वहाँ पर जो मुझे परफॉर्मेंस मिली थी वो स्मूथ मिली थी। हैवी परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर जो इन्हांस कर दिया गया है फ़ोन के अंदर वो रैम को कर दिया गया है, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। गाइज यहाँ पर अब हम बात करेंगे इस फ़ोन के कैमरास की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन फोकस है यहाँ पर। तो यहाँ पर वीवो की तरफ से पहला मिड रेंज फ़ोन है जहाँ पर 48 MP का कैमरा दिया गया है। यहाँ पर है डायमंड कट शेप के अंदर ये 4 कैमरास, जिसमें पहला कैमरा है 48 MP का 1.8 अपर्चर के साथ, दूसरा कैमरा है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा F2.2 अपर्चर के साथ, उसके बाद लगाया गया है एक 2 MP का मैक्रो लेंस F2.4 अपर्चर के साथ, और उसके साथ लगाया गया है 2 MP का डेप्थ सेंसर कैमरा F2.4 अपर्चर के साथ। फ्रंट के ऊपर मिलता है यहाँ पर 32 MP का सेल्फी कैमरा F2.0 अपर्चर के साथ। फ्रंट और बैक कैम से आप 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस फोन के कुछ कैमरा सैंपल्स, और आप मुझे बताइएगा कि आपको इस फोन का कैमरा कैसा लगा। गाइज इस फोन के कैमरा से लिए गए सैंपल्स आपने देख लिए होंगे, और यहाँ पर इस फोन का जो कैमरा है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगा है। यहाँ पर जो आपको ब्राइटनेस मिलती है, शार्पनेस मिलती है, अच्छी मिलती है, कलर सैचुरेटेड मिलते हैं, और इतने पैसों के हिसाब से इस फोन का जो कैमरा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बात करेंगे इस फोन के फेस अनलॉक प्रोटेक्शन और फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो यहाँ पर हमें मिलता है इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसे हम करते हैं ट्राई। तो यहाँ पर आप देखें फोन की तरफ, यहाँ पर आपने टच किया और बहुत ही ज़्यादा तेज़ वीवो के जो इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ काम करते हैं, और आप देख सकते हैं फेस अनलॉक की अगर मैं बात करूं तो ये फ़ोन की तरफ देखा और फ़ोन हो गया अनलॉक। तो यार कमाल है, ये फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट की जो प्रोटेक्शन है इस फ़ोन की वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। गाइस इस फ़ोन के अंदर हमें मिलती है 4500 mAh की बैटरी, और उसके साथ आपको मिलता है 18W का फास्ट चार्जर। तो यहाँ पर आपको इस फोन की बैटरी भी अच्छी मिलती है, और यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग की सहूलत भी मिलती है। गाइस वीवो S1 Pro की अनबॉक्सिंग वीडियो आपने देख ली होगी, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस फोन का कौन सा कलर अच्छा लगता है, नाइट ब्लैक या फैंसी स्काई।
वेल गाइस, बात करते हैं अब इस फोन के फर्स्ट इंप्रेशन की, फर्स्ट ओपिनियन की। अगर मैं अपने बात करूं तो यहां पर इस फोन की जो प्राइस है वो मुझे थोड़ी सी ज्यादा लगी है। अगर 40,000 रुपीज के अराउंड ये फोन होता तो ये अपने आप के अंदर एक बेहतरीन बजट डिवाइस होने वाली थी, लेकिन यहां पर प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। प्रोसेसर को इनहांस किया जा सकता था, स्नैपड्रैगन 675 पर जा सकते थे, लेकिन स्नैपड्रैगन 665 तक ही रुका है वीवो इस बार। तो प्राइस थोड़ी बहुत कम होती तो ये फोन अच्छा था, लेकिन उसके अलावा सुपर एमोलेड स्क्रीन है, इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर है, अच्छा काम करता है, कैमराज अच्छे काम करते हैं, बड़ी बैटरी है, यूएसबी टाइप सी को डाल दिया गया है, तो यहाँ पर एक बैलेंस फोन है, प्राइस थोड़ी बहुत कम होनी चाहिए थी। और गाइस, अब हम बात करते हैं उस चीज़ की जो मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में कहा था, गिव अवे की। तो यहाँ पर बहुत लंबा टारगेट नहीं देने वाले आपको, यहाँ पर इस वीडियो का जो टारगेट है वो सिर्फ 200 लाइक्स का है। तो अगर ये वीडियो 200 लाइक्स क्रॉस कर जाती है तो मैं करने वाला हूँ एक बेसूस का 10,000 mAh का पावर बैंक का गिव अवे, जो आप में से किसी को भी मिल सकता है। तो यार, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। तो गाइस, ये थी वीवो S1 Pro की अनबॉक्सिंग की वीडियो। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मुलाकात होगी आज से अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर अ लॉट फॉर योर मैन। अल्लाह हाफिज़।